ऐसे में डॉक्टर हीरामणि, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, हमने दोनों डॉक्टर से बात की, लेकिन आयुर्वेद में कोई रास्ता है क्या, कोई तरीका है क्या जिससे कि बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग और नौजवान जो कि ज्यादा चपेट में आ रहे हैं वो इससे दूर रह सके? आयुर्वेद में जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट है दिस इज पेशेंट सेंट्रिक रहता है, पेशेंट का पूरा प्रकृति निकाल के उसके हिसाब से हम मेडिसिन जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें पंचकर्म ट्रीटमेंट कर सकते हैं, शिरोधारा कर सकते हैं, बाद में काउंसलिंग आता है जो चिकित्सा बोलते हैं, तो सब ट्रीटमेंट करने के बाद एक होलिस्टिक अप्रोच से योगा का मदद लेके, मेडिटेशन का मदद लेके हम एंग्जाइटी डिप्रेशन बीमारी है अगर बच्चों में है या बूढ़ों में हो किसी में हो तो उसको हम अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। और तो उसके बाद उसको एडमिट करके, एडमिशन करके पंचकर्मा थेरेपी जो रहता है या तो जैसे सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, वर्षा ऋतु आता है तो अलग तरह से डिटॉक्सिफिकेशन। सर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जोड़ना भी चाहूंगी, आपने एक बात कही कि सीजनल, तो मॉनसून के टाइम में देखा जाता है ये डिप्रेशन काफी ज्यादा बढ़ता है और ठंड के टाइम में भी ये काफी बढ़ता है, इसके का क्या कारण है? मैं बाकी डॉक्टर से भी समझूंगी लेकिन आप मुझे बताइए ये क्यों है और इसका आयुर्वेद में कैसे इलाज होता है? ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जब हम सनलाइट को एक्सपोज नहीं होते इससे उसके वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन होना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों में मूड लो फील करते हैं वो लोग। इसलिए हमें ये सन एक्सपोज होना चाहिए, बाहर धूप में बैठना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ऐसा करने से ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से हम बच सकते हैं। चलिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए हैं।